आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2021 में रिलीज हुई एक रिलीजियस हॉरर मूवी द अनहोली, जिसकी IMDb रेटिंग है 5.2 out of 10। पर ये रेटिंग इस मूवी को जस्टिफाई नहीं करती, क्योंकि ये मूवी काफी अच्छी है। मूवी की स्टोरी लाइन और इसे जिस तरह से प्रेजेंट किया गया है वो देखने लायक है। मूवी की शुरुआत सन 1845 के एक फ्लैशबैक को दिखाते हुए होती है, जहां हमें एक एग्जॉर्सिस्ट प्रीस्ट, मतलब वो पादरी जो इनका इलाज करता है, जिन्हें बुरे स्पिरिट्स ने पोजेस किया होता है, उसने एक लेडी को पेड़ बांधा हुआ था और वो उस लेडी के सर को ढककर उसे जिंदा ही जला देता है, और वो प्रीस्ट उस लेडी की सोल को एक क्रीपी डॉल में कैद कर लेता है। अब कहानी शिफ्ट होती है प्रेजेंट टाइम में, जहां हमें एक रिपोर्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम जेरी फिन होता है। जेरी पहले एक पॉपुलर शो का न्यूज रिपोर्टर हुआ करता था। जेरी ने ये सब कई फेक न्यूज फैलाकर पॉपुलर हुआ था और ढेर सारा पैसा भी कमाया था, लेकिन जल्द ही ये बातें सभी को पता चल गई कि जेरी सिर्फ फेक न्यूज फैलाता है, जिसके कारण उसका रुतबा, पैसे, सभी चीज चले गए। अब वो एक ऑनलाइन न्यूज चैनल के लिए सेंसेशनल न्यूज को कवर करता है। ऐसी एक न्यूज को कवर करने के लिए वो बेनफील्ड के एक लोकल फार्मर के पास जाता है, क्योंकि उसकी गाय के ऊपर किसी ने अत्याचार किए थे। लेकिन जेरी को ये न्यूज मसालेदार नहीं लगती और वो वहाँ से जाने लगता है, और रास्ते में उसकी मुलाकात एक फादर से होती है जिसका नाम हैगन होता है। और वहाँ से निकलते समय जेरी को एक आवाज सुनाई देती है जो कि एक सूखे से पेड़ से आ रही थी। जी हाँ, ये पेड़ वही है जिसमें 1845 में उस प्रीस्ट ने उस लेडी को जलाया था। ये चर्च के बिल्कुल बगल में था। जेरी को उस पेड़ के नीचे कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है और जेरी चेक करता है तो उसमें से वही डॉल निकलती है जिसे 1845 में उस प्रीस्ट ने उस लेडी की सोल को कैद किया था। वो डॉल चैन से बंधी हुई थी और उसके पीछे डेट लिखा हुआ था 31 February 1845, जिसे देखकर जेरी को अजीब लगता है, क्योंकि फरवरी के महीने में 31 डेट होती ही नहीं। जिसे वो फार्मर देखकर बोलता है कि ये कर्न बेबी डॉल है, जिन्हें फार्मर गुडलक के लिए खेतों में गाड़ा करते थे। उस डॉल को देखकर जेरी को आइडिया आता है और वो उस डॉल को तोड़ देता है और उस फार्मर को उसके पास खड़ा कर देता है और न्यूज बना देता है कि फार्मर के खेतों में एक पुरानी डॉल मिली है, जिसके बाद से उसकी गायों के साथ अत्याचार होने लगे हैं। ये सब जेरी अपने करियर को फिर से ट्रैक में लाने के लिए कर रहा होता है। उसी रात जब जेरी अपने घर जा रहा होता है, तभी अचानक उसके कार के सामने एक लड़की आ जाती है और जेरी उसे बचाने के लिए अपनी कार मोड़ता है, जिससे उसकी कार अनबैलेंस हो जाती है। उसके बाद जेरी उस लड़की को चेक करने के लिए जाता है और वो लड़की चलती ही जा रही थी, और जेरी भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है, और वो लड़की उसी डॉल वाले पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है। और जब जेरी उसके पास जाता है तो वो जेरी को थैंक्स बोलती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है, और जेरी उसे उठाकर चर्च के अंदर लाता है जहाँ पर फादर हैगन्स होते हैं। उस लड़की का नाम एलिस होता है और फादर हैगन्स उसके अंकल होते हैं। एलिस बचपन से ही ना तो बोल सकती थी और ना ही सुन सकती थी। उसे चेक करने के लिए उनकी फैमिली डॉक्टर नेथली गेट्स वहाँ आती है और एलिस उसे साइन लैंग्वेज में बात करती है, जिसे देखकर जेरी कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसने एलिस को कुछ देर पहले बोलते हुए देखा था। उसके बाद नेथली जेरी को रुकने के लिए एक छोटे से होटल में ड्रॉप कर देती है। अगली सुबह जेरी एलिस को चेक करने के लिए जाता है कि वो ठीक तो है, और वहाँ चर्च के अंदर प्रेयर चल रही थी, जहाँ एलिस मदर मैरी की स्टैचू के सामने बैठी हुई थी, जहाँ एलिस को कुछ आवाजें सुनाई देती है, और एलिस उठती है और उसी पेड़ की ओर जाने लगती है, और उसके साथ साथ चर्च में मौजूद सभी लड़कियां भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। वो सभी एक ही टाइम में पोजेस हो गई थी, और एलिस को उस पेड़ के पास एक लेडी की सोल दिखाई देती है, और फादर हैगन्स, जेरी और बाकी सभी लोग उसे फॉलो करते हुए वहाँ आते हैं। और जैसे ही फादर हैगन्स एलिस को छूते हैं, वैसे ही एलिस बोलती है और बताती है कि यहाँ पर एक लेडी की सोल है जो हमें कल फिर से यहाँ पर आने को बोल रही है, और उनका नाम मैरी है। वहाँ पर खड़े सभी लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि वो सभी एलिस को बचपन से देख रहे थे कि वो बोल और सुन नहीं सकती, और अचानक से बोलने और सुनने की वजह से लोगों को लगता है कि ये मदर मैरी ने किया है। इस टाउन में रिलीजियस लोग रहा करते थे, इसलिए उन्हें मदर मैरी की बात पर पूरा विश्वास था। उसी रात जेरी अपने पुराने टीवी शो के हेड को कॉल करता है और उन्हें इस सेंसेशनल न्यूज के बारे में बताता है, पर उसकी बात पर यकीन नहीं करती, क्योंकि जेरी ने पहले भी कई फेक न्यूज के बारे में बताया था। उसी रात जेरी को एक सपना आता है, जिसमें वो देखता है कि एक पुराने घर के आगे एक नाला है, जिसमें से एक काले चेहरे वाली स्पिरिट बाहर निकलती है और जेरी पे हमला कर देती है, और जेरी डरकर जाग जाता है और देखता है कि उस पर पानी टपक रहा है
जो कि ऊपर की सीलिंग से टपक रहा था और सीलिंग सड़ी हुई नजर आ रही थी। अगले दिन एली से मिलने बहुत से लोग आए हुए थे क्योंकि ये बात फैल चुकी थी कि यहाँ पर मिरेकल हुआ है, इसलिए यहाँ पर बहुत से लोग अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर आए हुए थे जिसमें से एक विकलांग बच्चा भी होता है। एलिस उसके पास आती है और उसे मदर मैरी पर विश्वास रखने को बोलती है और तभी वो बच्चा पहली बार चलने लगता है और ये सब देखकर सभी लोग एलिस के आगे झुक जाते हैं और प्रे करने लगते हैं क्योंकि उनका मानना था कि एलिस के अंदर मदर मैरी की सोल है। जेरी सब को रिकॉर्ड करता है जो कि अब एक इंटरनेशनल न्यूज बन चुकी थी। अब हमें एक और फादर मोनसुनियोर को दिखाया जाता है जो कि इस बात की पुष्टि किया करते थे कि जिसे ईश्वर की दैवी शक्तियां बोला जा रहा है वो सच है या नहीं। उन्होंने ऐसे कई मिरेकल्स होने वाली जगहों को धार्मिक स्थल घोषित किया था। इसके जांच करने के फादर मोनसुनियोर के 3 नियम थे कि मिरेकल करने वाले को किसी बीमार आदमी का इलाज करना होगा जिसका इलाज नामुमकिन हो, दूसरा इलाज तुरंत होना चाहिए और तीसरा इलाज कंप्लीट होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर हम फादर हैगन्स को देखते हैं जो कि काफी कंफ्यूज और डरे हुए थे क्योंकि उन्हें वो टूटी हुई डॉल उसी पेड़ के नीचे मिली थी जिसे जेरी ने तोड़ा था। अब हमें फिर से वही काले चेहरे वाली स्पिरिट दिखाई देती है जो कि उसी पेड़ से निकलती है और फादर पे अटैक करने ही वाली होती है कि फादर वहाँ से चले जाते हैं। फादर के परेशान होने की वजह ये भी थी कि उन्होंने ये पढ़ा था कि जहाँ गॉड अपना चर्च बनाते हैं वहाँ पर डेविल अपना घोंसला भी बनाता है, मतलब डेविल इन गॉड जैसे मिरेकल्स से अट्रैक्ट होता था। इसलिए फादर को एलिस की चिंता थी क्योंकि अब एलिस पर भी बुरी शक्तियों का हमला हो सकता था। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि फादर हैगन्स को स्टेज 4 का लंग कैंसर है और उनके पास काफी कम टाइम बचा है। अगले सीन में हमें एलिस को गाना गाते हुए दिखाया जाता है जहाँ पर फादर हैगन और फादर मोनसुनियोर होते हैं। तभी फादर हैगन्स को दिल का दौरा पड़ता है और वो गिर जाते हैं और एलिस उनके पास जाती है और मैरी पर विश्वास रखने को बोलती है और फादर हैगन्स के हाँ बोलते ही उनका कैंसर पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। उसके बाद फादर हैगन्स को एलिस के पीछे एक स्पिरिट दिखाई देती है जिससे कि वो डर जाते हैं और फादर मोनसुनियोर के ये सब देखने से उनके 3 रूल्स कंप्लीट हो जाते हैं। फादर हैगन्स का कैंसर लाइलाज था जिसे तुरंत ठीक किया गया था और वो पूरी तरीके से ठीक हो गए थे और बैनफील्ड के चर्च को धर्मस्थल घोषित कर दिया गया और एलिस कल्ट मिरेकल करने के लिए पॉपुलर होने लगती है। वहीं दूसरी ओर कई लोग बैनफील्ड को छोड़कर जाने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इसके पीछे बुरी स्पिरिट्स है। अब अगले सीन में हम जेरी को देखते हैं जो कि डॉक्टर नेटली के साथ डिनर पे आया हुआ था और वो नेटली को उसी पुरानी डॉल के बारे में बताता है और नेटली बोलती है कि कर्न बेबी डॉल को फार्मर्स गुड लक के लिए गाड़ा करते थे पर उन डॉल्स को बुरी शक्तियों को कैद करने के लिए भी यूज किया जाता था और उस पर एक डेट लिखी जाती थी जो कि कैलेंडर पर एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी ताकि देखने वालों को ये पता लग सके कि ये डॉल इविल है। जेरी ये सुनकर डर जाता है क्योंकि उसने उस डॉल को तोड़ दिया था। अगले दिन जेरी नेटली के साथ मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकलता है और दोनों उसी झरने के पास पहुंचते हैं जिसे जेरी ने अपने सपने में देखा था। ये प्लेस चर्च के एरिया में ही था। ये देखकर जेरी को एलिस के मिरेकल पर शक होने लगता है कि इस सब के पीछे कोई इविल स्पिरिट है और जेरी को झरने के पानी में उसी पूरी स्पिरिट की झलक दिखाई देती है। वहीं दूसरी ओर हम चर्च के अंदर फादर हैगन्स को देखते हैं जिन्हें सन 1845 के उस प्रीस्ट की डायरी मिलती है जिसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ था कि यहाँ पर क्या किया गया था। जिसे पढ़ने के बाद फादर हैगन्स सब कुछ समझ जाते हैं कि यहाँ पर कोई मिरेकल नहीं हो रहा है, ये सब उसी बुरी स्पिरिट ने किया है। ये जानने के बाद फादर काफी डर जाते हैं। तभी उन्हें मैरी का गोस्ट हॉन्ट करता है और फादर हैगन्स को चर्च में रस्सी से लटकाकर मार देता है और इस सब को सुसाइड समझकर चर्च के हेड उसे जेरी के फेक न्यूज की बदौलत हार्ट अटैक डिक्लेयर कर देते हैं। एलिस को भी यही बात बताई जाती है जिससे एलिस भी काफी दुखी हो जाती है। और अगले दिन जेरी एलिस से इंटरव्यू लेते समय इनडायरेक्टली पूछता है कि क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि इस मिरेकल के पीछे गॉड है, जिस पर एलिस पोजेस होते हुए आंसर करती है कि श्रद्धा पर शक नहीं करते, इससे श्राप लगता है। एलिस यहाँ पर कहना चाहती थी कि उस पर सबको बिना किसी शक के यकीन करना चाहिए। जेरी को इस सब में कुछ तो गड़बड़ लगता है। उसी रात जेरी फिर से रिकॉर्ड किए गए वीडियो को देखता है और उसे वीडियो में वही काले चेहरे वाली स्पिरिट दिखाई देती है। इसे देखकर जेरी डर जाता है। अगले दिन जेरी नेटली के साथ चर्च के उसी कमरे में जाता है जहाँ पर फादर हैगन्स को वो डायरी मिली थी और वो डायरी जेरी को नजर आती है जिसके अंदर लिखा था कि सन 1845 में मैरी नाम की एक लेडी थी जो बुरी शक्तियों को पूजती थी और उन बुरी शक्तियों की मदद से लोगों की इच्छाएं पूरी करती थी और बदले में उनकी सोल ले लिया करती थी क्योंकि उसने डेविल से डील की थी कि जितनी ज्यादा सोल उसे मिलेगी वो उतनी ही ज्यादा पावरफुल होती जाएगी। यही कारण था कि उस समय प्रीस्ट ने उस लेडी को जिंदा जला दिया था।
और उसकी स्पिरिट को कर्न बेबी डॉल में कैद कर लिया था। अब जेरी सब कुछ समझ चुका था। तभी चर्च के अंदर जेरी और नेटली पर वो गोस्ट अटैक करती है और वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाते हैं। वहाँ से निकलने के कुछ देर बाद जेरी को उसी टीवी शो की हेड कॉल करती है और उसे उसकी पुरानी जॉब फिर से देने की बात करती है और बदले में उसकी रिकॉर्ड की गई फुटेज को टेलीकास्ट करने की परमिशन मांगती है। पर जेरी ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि अगर लोगों को ये बात पता चल जाती कि उनकी प्रॉब्लम्स को ठीक करने वाला कोई है तो वहाँ पर लोगों की भीड़ लग जाती, जिससे उस स्पिरिट को और सोल मिल जाती और वो और पावरफुल हो जाती। पर जेरी के मना करने के बावजूद वो उस वीडियो को टेलीकास्ट कर देती है। और वहीं दूसरी ओर एलिस मैरी के कहने पर रात को एक बहुत बड़े सम्मेलन का आयोजन करती है। वहीं जेरी डायरी को लेकर बिशोप गेल के पास जाता है और उन्हें उस डायरी के बारे में बताता है और बिशोप गेल हंसते हुए बोलते हैं कि मुझे इस सब के बारे में पहले से पता था। दरअसल बिशोप गेल भले ही फादर थे पर वो चर्च के लिए बहुत सा पैसा इकट्ठा करना चाहते थे जो कि उन्हें बैनफील्ड के चर्च को धर्म स्थल बनाकर मिलने वाला था क्योंकि ऐसा करने से लाखों लोग उसे विजिट करने आते। वहीं खड़े फादर मॉन्सुनियर भी ये बात सुन रहे थे और उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगती कि किसी फादर को पैसों के लिए ऐसा काम नहीं करना चाहिए। जेरी बिशोप गेल की सच्चाई सबके सामने लाने की धमकी देता है पर बिशोप गेल के सामने जेरी की पोजीशन कुछ भी नहीं थी। अब जेरी लीगली तो कुछ नहीं कर सकता था इसलिए वो फिर से उस डायरी को पढ़ने लगता है जिसमें लिखा था कि मैरी का एक बेटा भी था और मैरी का सोल सिर्फ और सिर्फ उसी के खून को पोजेस कर सकता है, मतलब एलिस जरूर उसकी वंशज होगी। जेरी ये सब बात फोन में नेटली को बता रहा होता है। तभी वहाँ पर मैरी का भूत आ जाता है और जेरी पर अटैक करने वाला होता है कि वहाँ पर फादर मॉन्सुनियर आ जाते हैं और मैरी के सामने एक्सोसिज्म करके उसे फिलहाल के लिए भगा देते हैं और वो मैरी के गोस्ट को उसी कर्न बेबी डॉल में कैद करने का प्लान बनाते हैं। वहीं दूसरी ओर एलिस के आयोजन में बहुत से लोग आते हैं और एलिस उन्हें अपनी श्रद्धा मैरी को समर्पित करने को बोलती है और ये सब लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा था। वहीं दूसरी ओर फादर मॉन्सुनियर उस रिचुअल को करना शुरू करते हैं। तभी उनके सामने रखा जीसस का क्रॉस जलने लगता है और वो क्रॉस उन पर गिर जाता है जिससे वो मारे जाते हैं। जेरी को उसे रोकने का एक आइडिया आता है। मैरी की जो पावर्स थी वो उन्हें लोगों की श्रद्धा से मिलती थी। अगर उन्होंने लोगों में मैरी की श्रद्धा को तोड़ दिया तो उसकी शक्तियाँ कम हो जाएगी। इसलिए जेरी और नेटली चर्च में आते हैं और नेटली एलिस से साइन लैंग्वेज में बताती है कि मैरी ईविल है, उसकी बात मत सुनो क्योंकि मैरी की स्पिरिट वो समझ नहीं पाती। और जेरी सभी को चिल्ला चिल्ला कर बताने लगता है कि एलिस का ये मिरेकल सब एक ढोंग है, उसका बहरापन सब अपने आप ठीक हो गया था और वो उस बच्चे की ठीक होने वाली बात को एक साइंटिफिक रीजन दे देता है और सभी लोगों को ईश्वर पर भरोसा रखने को बोलता है ना कि मैरी पर। ये सब जेरी झूठ बोल रहा था ताकि लोगों की श्रद्धा मैरी से कम कर सके। वहीं एलिस को भी नेटली की बात समझ आ जाती है और वो भी सभी लोगों को मैरी के खिलाफ कर देती है क्योंकि एलिस भले ही मैरी की वंशज थी पर वो जानती थी कि वो इविल है। और जैसे ही मैरी के लिए सबका फेथ कम होता है तो मैरी को इस बात पे बहुत गुस्सा आता है और वो उसी पेड़ से निकलती है और चर्च में आकर सबसे पहले बिशोप गेल को मारती है क्योंकि उसने सबसे पहले अपनी सोल को उसे दिया था, इसलिए वो उसके सोल को ले लेती है और उसके पूरे शरीर को राख में बदल देती है। अब मैरी का गोस्ट जेरी को मारने के लिए आती है पर एलिस उसे बचाने के लिए उसके सामने आ जाती है। अब मैरी अपनी ही वंशज एलिस को मारने के लिए उसे टच करती है पर उसका जस्ट उल्टा होता है, एलिस की जगह मैरी राख में बदलने लगती है और हम देखते हैं कि मैरी के राख होने के बाद एलिस की सोल भी जाने लगती है। यहाँ पर जेरी पहली बार गॉड से प्रे करता है क्योंकि ये सब होने से पहले तक वो एक नास्तिक था पर वो एलिस को बचाने के लिए ईश्वर से प्रे करता है और अपनी श्रद्धा को प्रकट करता है। और तभी अचानक एलिस को फिर से होश आ जाता है पर उसकी बोलने और सुनने की शक्ति चली गई थी क्योंकि वो शक्ति उसे मैरी ने दी थी, इसलिए उसके जाने के बाद उसकी दी हुई शक्तियाँ भी चली गई। अब हम व्यूअर्स को लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है। तभी हमें चर्च में रखी मदर मैरी की स्टैचू से खून निकलते हुए दिखाई देता है जिसका मतलब कुछ भी हो सकता है। शायद मदर मैरी इस ओर इशारा कर रही हो कि ऐसे फेक फेथ्स आते रहेंगे जिसके लिए हमें तैयार रहना होगा, या इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अभी मैरी का पूरी तरह से नहीं गया हो। और ये मूवी इसी सस्पेंस के साथ खत्म होती है। अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन / समरी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और अगर आपको इस मूवी से रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।